अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल है शमसी न्यूज में। नादरीन इकराम, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर उनके 100वें जन्मदिन को लेकर एक साल जश्न मना रहे हैं, जिसको लेकर तकरीबन 10 करोड़ का एक बजट भी अलॉट किया गया है। आज सीएम केसीआर की तरफ से एक बयान भी आया है उनकी अपनी एक तकरीब में। नादरीन इकराम, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर मुसलमानों में बहुत बड़ा गुस्सा पाया जाता है बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर। यह गुस्सा जायज भी है। आइए, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर सीएम केसीआर की मोहब्बत है या सियासत है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले कुछ बैकग्राउंड में भी जाएंगे, कुछ तफसील भी जानेंगे, क्योंकि सिर्फ जज्बात और गुस्से का इजहार करना काफी नहीं है जब तक उसकी मुकम्मल तफसीलात हासिल ना हो जाए। नाज़रीन इकराम, पीवी नरसिम्हा राव का मुकम्मल नाम पामुलापर्ति वेंकटा नरसिम्हा राव था। ये 1921 28 जून को पैदा हुए थे। इनका देहांत 23 दिसंबर 2014 को दिल्ली में हुआ है। ये हिंदुस्तान के 90वें पीएम रहे हैं 1991 से लेकर 1996 तक। ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये तमाम तर चीजों में पीवी नरसिम्हा राव को याद किया जाता है। कहा जाता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं के जानशीन बने हैं, चूंकि ये कांग्रेस की तरफ से नॉन गांधी फैमिली के पीएम थे, लेकिन बीजेपी के लिए और हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व से पलटकर हार्ड हिंदुत्व का रास्ता जो पैदा किया था, उसमें पीवी नरसिम्हा राव को बाबा ए हार्ड हिंदुत्व भी कहा जाता है। ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट में भी रहे हैं। ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में यहां के चौथे सीएम भी बनकर आए। इनकी तारीख में यह भी बात आती है, इंदिरा गांधी की तरफ से जिस वक्त कांग्रेस की बगावत हुई थी, उस बगावत में ये पेश थे। बाद 1978 में कांग्रेस आई मुत्तहिद हो गई थी। इमरजेंस ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी को उरूज मिलना, बाबरी मस्जिद की शहादत, जिस वक्त कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, ये लिब्रहन कमीशन की रिपोर्ट में भी बात आई थी कि अगर पीवी नरसिम्हा राव चाहते तो बाबरी मस्जिद की शहादत को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जो फसादात हुए, वो फसादात के मुकम्मल जिम्मेदार पीवी नरसिम्हा राव को बताया जाता है। एक और कारनामा पीवी नरसिम्हा राव की जिंदगी में बताया जाता है कि वो नंदियाल से 5 लाख वोट से पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन जीतते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज करवाया था। भले हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन जिन विदेशियों को भगाकर हमने हिंदुस्तान को आजाद किया, उन्हीं विदेशी कंपनियों को फिर एक मरतबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दरवाजा खोलने के लिए भी पीवी नरसिम्हा राव को याद किया जाता। अब आइए, केसीआर की इतनी मोहब्बत क्यों है? दरअसल पीवी नरसिम्हा राव को हार्ड हिंदुत्व लॉबी में बहुत एक बड़ा मुकाम हासिल है, और इसी मुकाम को लेकर केसीआर नहीं चाहते हैं कि बीजेपी पीवी नरसिम्हा राव की आइडियोलॉजी को लेकर हार्ड हिंदुत्व के लोग बीजेपी की तरफ राहिब हो। लिहाजा उन्हें वहां पर बीजेपी में जाने से रोकने के लिए केसीआर खुद पीवी नरसिम्हा राव को 2014 में, जिस वक्त पहली केसीआर की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त से उन्होंने स्टेट सेलिब्रेशन शुरू किया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 2020 में एक साल जश्न केसीआर मना रहे। तो ये केसीआर की पीवी नरसिम्हा राव के लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये एक सियासत है। और इसी सियासत को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी खामोशी अख्तियार की है कि कहीं मजलिस के बोलने पर हिंदुत्व ताकतें फिर एक मरतबा इकट्ठा होकर फिर बीजेपी की तरफ ना जाए। मजलिस के लिए जरूरी है कि रियासत तेलंगाना के अंदर केसीआर रहे, क्योंकि मजलिस ने कांग्रेस से जिस हद की दुश्मनी पैदा कर ली है, अब मजलिस के पास एक ही एक रास्ता है, वो रास्ता केसीआर है। लिहाजा न सिर्फ मजलिस बल्कि आज के उर्दू अखबारात, खास तौर से सियासत और दीगर अखबारात ने भी पीवी नरसिम्हा राव को लेकर रियासत तेलंगाना के एक बड़े इश्तेहार को फ्रंट पेज पर मुकाम दिया है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पीवी नरसिम्हा राव जैसे बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल लोगों को हमारे लोगों ने भुला दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग शुरू से बिजनेस ओरिएंटेड रहे हैं, खासतौर से उन अखबारात की बात कर रहा हूं, चाहे वो सियासत रहो या कोई दूसरा अखबार, ये लोग बिजनेस ओरिएंटेड रहे हैं। इन्हें कौम से कोई मतलब नहीं, इन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। लिहाजा एक आम मुसलमान जिसे बाबरी मस्जिद से लगाव था, जिसे नरसिम्हा राव से नफरत थी,
अल्लाह ने नरसिम्हा राव के ऊपर गुस्से का जो इजहार फरमाया वो ये था कि नरसिम्हा राव की लाश को कुत्तों ने खाया। लिहाजा एक मुसलमान का मानना यह है कि भले आपने मुल्क के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन मुल्क में रहने वाले एक तबके के दिल को आपने तकलीफ पहुंचाई और यह तकलीफ आपके वापस आके दूर करने से भी दूर नहीं होगी। लिहाजा हम ता कयामत जब तक मुसलमान बाहयात है हमेशा नरसिम्हा राव पर लानत भेजते रहेंगे और ये दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह इस साजिशी शख्स को जहन्नम की सबसे निचली सतह में तू उसे अजाब में मुब्तला कर। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने खड़े होकर कहा ये नरसिम्हा राव ये वही जालिम है जिसने मुसलमानों की इस्मतों को आबरुओं को लुटवाया, ये वही दरिंदा है जिसने मुसलमानों के सरों और सीरों पे गोलियां चलाई, ये वही धोखेबाज बेईमान नरसिम्हा राव है जिसने बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को शहीद होता हुआ तमाशाई बंद कर देखा, ये वही दरिंदा ये वही जालिम है जो मुसलमानों को हजारों की तादाद में तादा में डाला, ये वही दरिंदा है जो मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाया। अरे ये मर्दूद अच्छा हुआ मर गया, हमको इसकी मौत पर अफसोस नहीं है बल्कि खुशी है कि मर गया, काश कि हमको मौका मिलता तो हम हमारे धोखे हमारे ऊपर मजालिम और हमारे इसके साथ जो ज्यादती की है उसका इंतजाम आपने हाथ